नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फलदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने नवीं कक्षा में यानी 9th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था आपको याद में है? हाँ बच्चों, मधुमेह देश हमारा एक सुंदर पद्य को हमने देखा था। एक मिनट बच्चों, पहले मैं आपकी किताब को दिखा देती हूँ। हाँ, ये है आपका किताब। हाँ, अब हम मधुमेह देश हमारा में उन्होंने क्या उस पद्य में बोला था एक छोटा सा याद दिलाएंगे। एक मिनट बच्चों, ये है जयशंकर प्रसाद। उन्होंने किसके बारे में इस पद्य में बोला है? हाँ, प्रकृति के बारे में बोला है। और हमारा देश लाल रंग की मिट्टी में है, मधुमेह स्वीट है और इनोसेंट है, उत्तर प्रदेश कितना अच्छा सपोर्ट है। और उन्होंने क्या क्या प्रकृति के कौन से प्रकृति के बारे में बोला था ये देखो बच्चों। हाँ, ये देखो कितना अच्छा है, ये देखो हवा, हिमालय, पेड़, सूर्य, ये है जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे देखो बच्चों, हाँ, और ये क्या है, फूल, फल, रात, चांद, हाँ, इंद्रधनुष, इसके बारे में सब उन्होंने बहुत अच्छा बोला था, है ना बच्चों? ये सब मैंने पिछले पार्ट में आपको पद्य में दिलाया था। और वो कहाँ पैदा हुए थे जयशंकर प्रसाद? जन्म सन 1890 में वाराणसी में पैदा हुए थे और एक रेस्पेक्टेड वैश्य ट्रेड क्लास में उन्होंने पैदा हुए थे। उनके पिता श्री देवी प्रसाद वो एक बिजनेसमैन व्यापारी थे और माता पिता मृत्यु में छोटे बच्चे में इनके माता पिता गुजर गए थे और उन्होंने क्या किया था, पैतृक व्यवसाय संभालना पड़ा। अपने पिता के ऑक्यूपेशन को टू टेक केयर हमारे जयशंकर प्रसाद, इन्होंने स्कूल में केवल 8th स्टैंडर्ड की शिक्षा तक ही पढ़ा था और पाली, उर्दू, अंग्रेजी ये पूरा लैंग्वेज उन्होंने बहुत अच्छा जानते थे। लिटरेचर में एक करेक्ट मैन थे, सूटेबल समुचित ज्ञान को उन्होंने बहुत अच्छा किया था। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रगाढ़ इज अ वेरी लार्ज स्कॉलर थे। इनका मृत्यु कब हुआ? 1937 में। ये सब हमने पिछले पार्ट में देखा था। आज हम नए पार्ट में तृतीय में पार्ट 11 यंत्र मानव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यंत्र मानव? हाँ, रोबोट। रोबोट के बारे में आज हम देखेंगे। हाँ, ये देखिए बच्चों, ये है रोबोट का लेसन। हाँ, और उन्होंने रोबोट कैसा दिखा, ये देखो बच्चों, पहले मैं रोबोट को चित्र को दिखाती हूँ। ये है रोबोट। हाँ, रोबोट है और रोबोट का ये ब्रेन है, मस्तिष्क, सेरिब्रियम बोलते हैं ना, वही है। हाँ, ये देखो बच्चों, और रोबोट क्या क्या काम करता है देखो। ये देखो बच्चों, ये देखो रोबोट कितना अच्छा घर को साफ कर रहा है। हाँ, कितना क्लीन से वो औरत देखो कैसे बैठी है। रोबोट सारा काम, घर का काम भी कर रहा है। हाँ, अब हम पार्ट में जाएंगे बच्चों। मैं एक यंत्र मानव हूँ, आई एम एज अ रोबोट मैन। मेरा शरीर हार्ड मास का नहीं है। हम लोग कैसे है, स्किन है, बोन्स है, नर्व्स है, लेकिन रोबोट को वैसा नहीं है। बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना, लोहे के आयरन के मेटल के पॉट से, मैंने यहाँ पे लिखा आयरन एंड मेटल पॉट से प्लास्टिक, रोबोट देखो प्लास्टिक से बना। एक मिनट बच्चों, ये देखो पूरा मेटल प्लास्टिक से बना है। ये देखो कितना अच्छा, देखो प्लास्टिक से बना है और पूरा मेटल्स और आयरन में बना है, लेकिन उसका ऊपर का प्लास्टिक। और मेरी भी टांग का मतलब क्या है, लेग, भुजा और अंगुलियां है। हाँ, मनुष्य जैसा देखो, उसका हाथ है, लेग, टांग है और उंगलियां, फिंगर्स, ये सब मनुष्य जैसा रोबोट को भी है। लेकिन मेरे ये भी सभी अंग दांतों, ये पूरा मेटल से बना। दांतों का मतलब क्या है, मेटल। निर्जीव होता हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी तरह काम करते। मेरे आई एम ए नॉन लिविंग थिंग्स, मुझे जान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे, मनुष्य जैसे वो रोबोट काम करता है।
ये देखो बच्चों, वो कितना अच्छा काम करता है, ये देखो औरत कितना अच्छा सा वो काम, उसे रिमोट से दबा रहे, देखो वो घर को कितना अच्छा सफाई कर रहा, देखो मनुष्य जैसे काम कर रहा है। हाँ, और मैं चल सकता है, वॉकिंग, मैं उछल सकता है, जंपिंग, और कूद भी सकता। उछल मींस ऐसे जंप करना, कूद भी एक ही जगह में खड़के करना। तुम्हारे अपने हाथों से, उंगलियों से, मैं मशीन के पुर से फिट कर, हाँ मनुष्य ही उसके पार्ट्स को क्या करता, पुर्ज मीन्स पार्ट्स, मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखो पुर्ज, पुर्ज मीन्स फिट, पार्ट्स, पार्ट्स कर सकता हूँ, बोझ उठा सकता हूँ, बोझ मीन्स वेट को उठा सकता हूँ। हाँ, और राजा ने कितने काम कर सकता हूँ, मैं पूरा काम कर सकता हूँ, मेरे शरीर में तारों का वायर, पूरा रोबोट के अंग में क्या है वायर, तारों का जाल बिछा हुआ, जाल इज अ नेट। आप लोग रोबोट को देखेंगे तो सामने देखे मनुष्य के रूप में रहेगा, लेकिन उसके अंदर इतना वायर्स को फिट, आपने रजनी फिल्म यंत्रन को देखा होगा, यंत्रन में रजनी रोबोट के रूप में कितने उसके अंदर मशीन्स है और पार्ट्स है, और उसके अंदर कितने वायर्स को लगा, ये सारे आपने उस फिल्म में देखा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया, जाल इज अ नेट बिछा हुआ, और इन तारों में रक्त की जगह, हाँ वो तारों इज अ वायर की जगह, हमें क्या बोला इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों को नर्व्स में क्या जाता है, ब्लड जाता है, लेकिन रोबोट को उसके नर्व्स के जगह में, वो वायर के जगह में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, एक घंटा करंट देंगे तो रोबोट सारा काम कर देता है। यंत्र में देखो रजनी को करंट नहीं दिया जाएगा, तब ऐश्वर्य को बचाने के लिए जाएगा, तब वो मारा जाएगा और उसे फेंक दिया, तो वहाँ पास में एक करंट का रहेगा, वो ऐसे घुमाने से, रखने से सारा करंट उसके अंदर आ जाएगा, है ना बच्चों, ये आप फिल्म में देखा होगा। विद्युत धारा बहती है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी में पूरा है, यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति, पावर देती है, काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है। और सर मीनिंग ऑफ द मस्तिष्क, एक मिनट बच्चों, हाँ ये देखो मस्तिष्क इज अ ब्रेन, हाँ मस्तिष्क इज अ ब्रेन, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क तो बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारा ब्रेन अलग रहेगा, रोबोट का ब्रेन अलग है, वो घूमेगा ऐसे, पूरा उसका इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारा मशीन के रूप में काम करेगा। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है, पूरा कंप्यूटर के जरिए से वो काम करता, कंप्यूटर के आदेश करता, जो कंप्यूटर वो ऑर्डर करता है उसी प्रकार रोबोट काम करता है। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं, मैं तो देख नहीं सकता, मुझे आईज नहीं है, आंखें नहीं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरा है, क्या है रोबोट, तो आप लोग जब कि अब तो पेन में कैमरा आ गया, सब छोटे छोटे जगह में भी कैमरा आ जाता, क्योंकि कितने सीक्रेट के विषय को भी उस कैमरा में हम पकड़ सकते, उसी प्रकार रोबोट के अंदर कैमरा है, वो सारे को ऐसे फिल्म के रूप में पकड़ देगा। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन, ये सुनने का काम करता है, वो माइक्रोफोन ही उसे आवाज करता है। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर, बोलने का काम, उसके शरीर में लाउड स्पीकर लगा है, उससे वो बोलने से आवाज आती है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेद्रिया द्वारा, सेंसिटिव फीलिंग ऑफ टच, उसी को बोला जाता है, जो मुझे छीता है तब मुझे सेंसिटिव फीलिंग टच, एक मशीन है उससे मुझे मालूम होता है कि मुझे कोई छू रहा है, टच कर रहा। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी, बिना थके और बिना उबे, अकेले 20-25 मजदूरों के बराबर। देखो ऐश्वर्य एक बार एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए रोबोट को बुला के जाएगी, तब रोबोट क्या करेगा, ऐश्वर्य का रूम को देखा तो बहुत गंदा रहेगा इंद्रन फिल्म में, तब वो जाके नहा के सिर्फ आएगी, उतने भाई में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूरा वो रोबोट रजनी का काम कर देगा। उसी प्रकार रोबोट को खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो 2000 मजदूरों का काम भी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर देता है, यही तो इस पार्ट में बोला। हाँ मैं कर सकता हूँ अकेले में 20-25 के मजदूरों का वकूली वर्क का काम मैं एक ही आदमी कर सकता हूँ, ऐसे इसमें बोला गया है। और
यदि किसी भवन में अलग भाग जाए तो मैं बिना डर और घबराए आग, हाँ अगर एक पैलेस में रोबोट में उस लड़की को बचाने के लिए जाएगी लेकिन अंत में वो मर जाएगी लड़की, रोबोट जाके बचाएगा क्योंकि वो लड़की आग में रहेगी। वो यंत्रिन फिल्म में देखो सारा जो ये पार्ट में आ रहा वो यंत्रिन फिल्म में पूरा लिया होगा, तो वो लड़की को रोबोट बचाने के लिए उस आग में कूदता हो घर में जाके, लेकिन अंत में रोबोट वो बचा नहीं पाएगा। हाँ इस प्रकार कोई भवन में आग लगे जाए तो रोबोट जाके बचाता है, ये तो सच है, उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग मनुष्य आग में जाएंगे तो हम जल जाएंगे लेकिन रोबोट जलेगा नहीं। हाँ यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ, मैं एंटर हो सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ उस भवन में, वहाँ फंस लोगों की जान बचा सकता हूँ और वो फंस जाए तो उनके लाइफ को बचा सकता हूँ। मैं ही मनुष्य के पहले चंद्रमा की सत्ता पर जाकर वहाँ की मिट्टी खोद कर लाया था, मैंने अपर सरफेस लेवल की मिट्टी को खोद कर मैंने रोबोट ने ही लेकर आया था। इसी प्रकार मंगल ग्रह में सत्ता पर जाकर लाल मिट्टी में मैंने ही पहले पैर रखा था, मंगल ग्रह में रोबोट जाके फर्स्ट पैर को उन्होंने रखा था, मैं सिर्फ गंध का अनुभव ने स्मेल रोबोट को मालूम नहीं समझ में ना वो, लेकिन इंद्र फिल्म में रोबोट को सब मनुष्य का वो फीलिंग्स आने के लिए रजनीकांत ऐसे करेगा तो वो अंत में बुरा होकर उसमें अच्छा सा बदल देगा बाद में, लेकिन यहाँ पे सच से रोबोट को स्मेल नहीं मालूम होता क्योंकि वो मशीन है। मैं तुम्हारे ही कोच हूँ, आज मनुष्य का सच ही हो क्योंकि मनुष्य ने रोबोट को बनाया, तुम घर बैठे अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे रहे हो रोबोट पर, और मैं तुम्हारी गौर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम, तुम जहां भी एब्सेंस हो जाओगे दूर चले जाओगे तुम्हारे घर को मैं बहुत अच्छा सा क्लीन करके नीट करके रख दूंगा। यहाँ पे यंत्रमानों का पाठ समाप्त हो रहा, बच्चों कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। बच्चों धन्यवाद।